गुड इवनिंग वेलकम टू क्लास स्वागत है आप सभी का इस इस बढ़िया और बेहतरीन क्लास क्लास के के अंदर अंदर देखिए हर दिन जब मैं इस क्लास के अंदर आती ना तो इस क्लास में आने से पहले मैं एक बार टेलीग्राम जरूर से चेक करती हूँ रीजन ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट कोई मैसेज किसी स्टूडेंट का या फिर पिछले क्लास की पी डी एफ अपडेट हुई या नहीं हुई है ये चीज देखने के लिए कि मैंने खुद से टेलीग्राम पे अपडेट कर दी है कि नहीं कर दी है और एक अच्छी सी चीज ये कि हर दिन जब मैं इस क्लास के अंदर आ रही हूँ तो हर दिन एक ना एक ऐसा बच्चा यहाँ पे जरूर से मिलता है जो कि ये लिख रहा होता है कि ग्रुप डी का जो डीवी है ना उसका फाइनल हमारा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नाम आ गया है तो आज का जो मुझे ये मैसेज मिला है वो प्रसन्न है ना अगर मैं सही अनाउंस कर रही हूँ यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हर दिन जो है वो मैसेज करते हैं कई लोग के नाम मैं नहीं ले पाती हूँ क्लास के अंदर अब एकदम क्लास से पहले पढ़ा तो मुझे समझ आया एंड दिस इज Very, uh, like Class आने से पहले, इससे अच्छी जो नोटिफिकेशन आया है, है जो आपको uh, मिला है इन्फॉर्मेशन उसकी स्क्रीन शेयर कर रहे हो सो दिस इज वेरी गुड एंड यस बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दी स्टूडेंट जिनका ये डीवी के लिए प्रोसेस हुआ है प्लीज गो अपना डीवी जो है वो कंप्लीट करा लो क्योंकि इसकी आपकी ज्वाइनिंग जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी अप्रैल के बाद जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी सो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना उसके बाद जो है ना वो जरूर से एक बार मैसेज करना दैट इज यू हैव प्लेस्ड और लग गई है ना ये मुझे जरूर से एक बार यहाँ पे बताना आप ठीक है चलो आज के सेशन शुरू करते हैं ये ये सेशन आपका करंट अफेयर्स का का क्विज बहुत दिन दिन से चल रहा था लेकिन इस, इसमें स्टैटिक जीके वाला पार्ट बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा था मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कवर नहीं हो पा रहे मैं आपको पिछले आज है ट्वेंटी फर्स्ट सैम्पल पेपर और आज भी जो है ना वो मैं आपको करंट अफेयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का और ट्वेंटी टू का करारे लग रही हूँ अब आगे की कुछ क्लासेस जो है वो मैं डेडिकेटेड कर रही हूँ यहाँ पे स्टैटिक जीके के स्टैटिक जीके वाले पोर्शन के लिए दैट इज योर हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स जोग्राफी है ना इसके लिए डेडिकेटेड हो रही है तो आगे की कुछ क्लासेस सी एच एस एल को ध्यान में रखते भी आपकी की जा रही है एक क्रैश कोर्स की तरह समझ लीजिए दैट इज सी एच एस एल का क्रैश कोर्स है ये कि एक महीने बाद जो आपका सी एच एस एल का पेपर है ना उसको ध्यान में रखते हुए आपकी ये क्लासेस जो है वो होने वाली है तो इतना बहुत है करंट अफेयर्स

सीजीएल और सी एच एस एल कितने बच्चे एग्जाम जो है वो दे रहे हैं ये मुझे जरा बताइएगा साइंस साइंस की क्लास ALP और टेक्नीशियन वाली या फिर का कोर्स आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो क्लास ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन के ऊपर ये जो है ये आपका पूरा एक सेशन होगा जहाँ पे फोर टू फोर मंथ्स का मैं टारगेट लेके चलती हूँ कि चार महीने का मेरा टारगेट है लेकिन हाँ इससे बहुत ज्यादा टाइम हो ही जाता है क्योंकि मुझे चाहिए कि हर एक चीज बहुत अच्छे से होनी चाहिए चाहे एक ही टॉपिक पे क्लास दो चली जाए चार चली जाए लेकिन टॉपिक आपको समझ आना चाहिए हमने स्टार्ट इसको केमिस्ट्री के साथ किया एंड होपफुली आपको अभी तक जो भी कुछ कराया वो समझ आ गया आज इस क्लास में मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट कराने लग रही हूँ और हमारी टेक्निकल टीम के लोगों ने मतलब कॉल कर करके ना ये बोल दिया भाई इसको वापस फोन नाइनटी पे करो तो यस हमारी टेक्निकल टीम बिल्कुल मजबूर हो गया ना वापस इसको 50% ऑफ पे आपको 499 में ही दे रही है ठीक है कई सारे बच्चे इसी क्लास के अंदर लिख रहे थे कि टू मेक इट 499 तो 499 का ये फिर से हो गया है लेकिन ये 499 का तभी होगा जब आप एएलपी कोड जो है वो इसमें यहाँ पे लगाओगे अच्छा जो लोग आपके सीएचएसएल और सीजीएल 2023 वाला देने लग रहे हैं आशीष और एम वाले जो भी बच्चे हैं अच्छा तो मैं आपको हाँ हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी के वन लाइनर्स एंड टॉपिक्स ओके राइट तो दिस इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चनो कल से आपका ये सेशन होने वाला है एकदम धमाकेदार मतलब जहां आपको ये लग रहा था अच्छा 58 मिनट्स में 40 में 40 मिनट्स के ऊपर ही होती है ये क्लास और आप 20 क्वेश्चन कर रहे होते हो कल से क्लासेस इस क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस का नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है एंड सैटरडे आपके स्पेशल सेशंस भी होने वाले हैं ठीक है थीके? ये याद रखिए यार भाई 499 से कम का थोड़ा ना कोई डिस्काउंट होगा आप साइंस का कोर्स 499 में कर लो आपको पता है कि केमिस्ट्री जिस तरीके से अभी इस क्लास के अंदर चल रही है मैं थोड़ा उसका स्क्रीनशॉट भी या थोड़ी थोड़ी वीडियो जो है ना वो आपकी अपडेट करा दूंगी मेन चैनल पे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि भाई किसको कैसे करना है मतलब क्या ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि जो आपको जरूरी है पढ़ना है ना चलिए आप क्लास ट्वेंटी फोर पे जाइए ये वाला बैच अभी जो है ना वो ज्वाइन करिएगा काफी बच्चे ये भी क्वेरी कर रहे हैं कि पहले वाला बैच ज्वाइन करना है ये तो मैं आपको बता दूं आप ये वाला बैच ज्वाइन करिए क्योंकि इसमें एकदम फ्रेशली स्टार्ट की हैं चीजें और काफी अच्छे से चीजें यहाँ पे जाने वाली हैं यस फोर नाइनटी नाइन ही किया है आप लोगों ने टेक्निकल टीम को जो परेशान किया है ना टेक्निकल टीम बोल रही है मैम प्लीज आप ना ऐसा ग्रुप फोर नाइन में ही पढ़ा दो प्लीज जब तक का नोटिफिकेशन नहीं आता टेक दिस दिस साइंस स्पेशल कोर्स सो यस यू कैन अगेन ये वाला बैच आपका जिंदगी का ना सबसे बेस्टम बेस्ट बैच होने वाला है साइंस का मतलब ऐसा मुझे खुद को लग रहा है कि मैंने केमिस्ट्री शायद कभी ऐसे नहीं पढ़ाई जैसे इस बैच में मैं पढ़ा रही हूँ अलग ही लेवल का डेडिकेशन है ना तो इस वाले बैच में केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी जा रही है और ये अच्छी बात ये है कि सब जो यहाँ पे सबके लिए हो भी रहे ठीक है चलिए बताइए विच म्यूजिक कम्पोजर ऑफ इंडिया अवार्ड दो हजार 2023 जो है वो जीता है जल्दी जल्दी आंसर बता दो शुभम सर का कोर्स प्लस साइंस का आपका अच्छा सुनील इसके लिए थोड़ा सा वेट करना अगर आपको दोनों बैच एक साथ चाहिए तो वी आर गोइंग टू टेक द बैच कंप्लीटली यहाँ पे उसके लिए थोड़ा वेट कर लो इसके लिए मुझे आपको अपडेट करना पड़ेगा बाकी ये है कि हाँ साइंस की क्लास तो जैसे है वैसे चलेगी चलिए फटाफट क्वेश्चंस करते हैं पहले इसके ट्वेंटी क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए कल से ये क्लासेस आपकी डेडिकेटेड हो जाएंगी सी और सीजीएल के लिए एक महीने के लिए अगले नेक्स्ट वन मंथ के लिए विल डू इट इन दिस मैनर ओनली कौन सा म्यूजिक कंपोजर इंडिया के लिए प्रेस्टीजियस प्रेस्टिजियसार्ड दो अवार्ड 2023 में जीता है जो है वो म्यूजिक का सबसे इंपॉर्टेंट और सर्वोच्च जैसे नोवल प्राइज होता है आपके एरिया के लिए ऑस्कर प्राइज होता है मूवीज के लिए उसी तरीके से ग्रेमी अवार्ड जो है ये म्यूजिक के लिए होते हैं इससे पहले रिकी कैच ठीक है रिकी कैच के द्वारा 2015 में भी अमेरिका का एक इम्पोर्टेंट जो अवार्ड है वो जीता गया था जिसको इन्होंने कुछ इमरसिव एल्बम वीडियो इमरसिव एल्बम वीडियो का नाम देके इसको यहाँ पे करवाया था तो रिक्की रेज करके याद हु हैज रिसेंटली लॉन्च व्हाट्सएप फूड डिलीवरी फैसिलिटीज टू कम्यूटर हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी जो है ना वो आपकी सुविधा शुरू की है एयर इंडिया India, इंडियन रेलवे उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन या उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन किसने बोला है कि अगर आप व्हाट्सएप पे मतलब व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं है कि खाली फेक मैसेजेस या आपके गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के ही फूलों के साथ जगमगाते फूलों के साथ मैसेज आते हैं अब आपका यहाँ पे एक नई चीज शुरू करिए किसने इंडियन रेलवे ने भारतीय रेलवे जो है इंडियन रेलवे है, तो ये, ये है, हैं वो 2023 में भरवा तो रहे हैं। कोई बात नहीं दे तो रहे हैं है ना ये वाली कंडीशन है अभी तो इससे पुरानी भी होती तो भी दे ही रहे होते वो क्योंकि इलेक्शन है चलिए इंडियन रेलवे करके याद रखिए अश्विनी वैष्णव जी एट सेवन फाइव ट्रिपल जीरो ठीक है है ना इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपको जो फूड है वो डिलीवर यहाँ पे हो जाता है इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वी एफ एस ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर हैज बीन लॉन्च्ड तो इसके लिए आप यहाँ पे लखनऊ याद रखिए लखनऊ में टेन कंट्रीज का जो वीजा है वो आपका दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी इन्हीं के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था और टेन कंट्रीज के लिए टेन कंट्रीज के लिए वीजा यहाँ पे दिया जाएगा नाइन फरवरी से इसको शुरू किया गया है ठीक है नौ फरवरी से इसको शुरू किया जाएगा तो साथ ही है ना नौ तारीख से शुरू हो जाएगा इन विच स्टेट और यूटीज द फर्स्ट सरस आजीविका मेला स्टार्टेड रिसेंटली सरस आजीविका मेला कौन से राज्य के अंदर होता है जरा बताइए टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए 11 दिन का ये मेला होता है जो 4 फरवरी से शुरू हो चुका है 11 दिन का मतलब है कि 13 तारीख 11 दिन का मतलब है कि ये आपका 15 तारीख तक चलने वाला है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको एस एच जी आप कहते हो ये फिफ्ट सेवेंटी फाइव से ज्यादा यहाँ पे मार्केटिंग होने वाली है दिस इज एक्चुअली Uh, कहते हैं ना हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को आप यूज करो उन्हीं को खरीदो इंटरनेशनल थिंग्स आप थोड़ा सा हाथ की जो कारीगरी होती है और जो कल्चर होता है या किसी भी एरिया का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है ना उसके लिए होता है तो पिछहत्तर स्टॉल्स वुमेन्स को इसमें प्रायोरिटी दी गई है और चौदह फरवरी तक ये मतलब होने वाला है फिफ्टीन जनवरी फिफ्टीन फेबर को ये कंक्लूड हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर कंट्री हैज़ रिसेंटली गुरुग्राम कहाँ पे है हरियाणा के अंदर लोकेटेड है आईएसए जो है वो भारत के द्वारा एक इनिशियटिव पे खोला गया था दो हजार पंद्रह नवम्बर तीस ठीक है टू थाउजेंड फिफ्टीन में नवंबर के महीने में 30 नवंबर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इनो इनिशिएशन पे इसको ओपन किया गया यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि सिग्नेटरी मेंबर्स जो है ना वो इसके अलग हैं और जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं वो अलग हैं आपको अगर मैं परमानेंट मेंबर्स की संख्या आपको गिनाऊ यहाँ पे तो 92 है कितनी है 92 और यहीं पे अगर मैं आपको इसके सिग्नेटरी मेंबर्स की बात करूं तो 112 यूएसए इसका पार्ट है यहाँ पे मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इवन हैज साइंड दिस यहाँ पे और 92 जो है ना वो आपके यहाँ पे फुल मेंबर्स हैं, नॉट ओनली फुल मेंबर्स हैं। जिसमें ब्राजील करके याद रखिए ब्राजील और क्रोएशिया आप इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की वेबसाइट को अगर खोलोगे गूगल पे तो गूगल पे जाके आपके पास वहां पे दो ग्रुप्स बने हुए हैं एक सिग्नेटरी मेंबर्स है एक परमानेंट मेंबर्स है परमानेंट मेंबर्स को आप खोलोगे तो नाइन्टी नंबर पे आपका ब्राजील है और नाइनटी नंबर पे क्रोएशिया है जबकि वन वन टू जो है वो आपके ओनली सिग्नेटरी हैं तो मतलब आप ये याद रख लीजिए कि ट्वेंटी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इसको साइन तो किया है बट दे आर नॉट द फुल मेंबर ऑफ दिस की बात इंपॉर्टेंट है गुड़गांव करके याद रखिए कल की क्लास में आपने इसका डिटेल भी किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत से रिलेट करता है गुड़गांव में इन विच सिटी पी एम मोदी लॉन्च द इंडियन एनर्जी वीक 2023 इंडियन एनर्जी वीक इट विल एक्चुअली करेगा क्या यहाँ पे ये करेगा क्या इंडियन जो आपका ये एनर्जी वीक हो रहा है ये एक्चुअली ध्यान दे रहा है आपके कुक टॉप मॉडल इंडियन ऑयल इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम पे ध्यान दे रहा है तो ये आ, न, ये एनर्जी जो जो आपका इंडियन ऑयल सेक्टर को बूम करने के लिए एक्चुअली ये एनर्जी वीक जो है वो स्टार्ट किया गया है so सो याद रखिए दिस इज गोइंग टू बी याद ये इनगरेट कहाँ पे हुआ है बैंगलोर कहाँ पे बैंगलोर ऐसे क्वेश्चन ना फटाफट आते हैं ठीक है एकदम से एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे और बढ़िया तरीके से ना आपको ये हेल्प भी करेंगे बेंगलोर वेयर हैज द 15th स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑफ द सेंट्रल ज़ोनल काउंसिल हैज बीन हेल्ड मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द सेंट्रल ज़ोनल काउंसिल कहां पे हुई है सेंट्रल ज़ोनल काउंसिल लिखा है तो कहां पे लिखेंगे अब सेंट्रल में देहरादून पे जाना है ठीक है इसमें आपके स्टेट चीफ सेक्रेटरीज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ये आपके सेंट्रल जोन में कहे जाते हैं देहरादून उत्तराखंड के अंदर आता है तो जो जो आपकी स्टेट्स इसमें शामिल है मतलब सेंट्रल पार्ट में शामिल है उन्हीं में से ही कोई इसका वेन्यू बनाया जाता है सेंट्रल की बात हो रही है सेंट्रल जोनल की तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ ये चार जो स्टेट्स हैं वो शामिल है हाल ही में जय जय महाराष्ट्र को महाराष्ट्र राज्य गीत घोषित कर दिया गया है है ना इसकी टोटल टाइमिंग जो है वो कितनी है क्या बात है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे स्टेंजास लिए गए हैं यहाँ पे नीलकंठ बंदे की पोयम से याद रखिए ये अगला क्वेश्चन यही बनने वाला है स्वतंत्रता का जो महोत्सव था अभी जो आपका निकला है वहां पे महाराष्ट्र माजा गर्जा महाराष्ट्र माजा के दो स्टैंड जो हैं वो महाराष्ट्र के राज्य गीत के रूप में चुने गए हैं आपका याद रखिए कि आपका एक कॉमन राष्ट्र गीत और राष्ट्रीय गान ऑलरेडी है लेकिन आपके जो स्टेट्स हैं वो भी अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अपना एक राष्ट्र गीत जो है वो चुनते हैं वन पॉइंट फोर वन ठीक है वन पॉइंट फोर वन करके याद रखिये ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप दो क्वेश्चन यहाँ से लर्न कर लो एक तो अभी रिसेंटली किस स्टेट ने अपना राष्ट्रीय महाराष्ट्र दूसरा महाराष्ट्र जय जय महाराष्ट्र माझा ये किसकी पोएम से लिया गया है तो नीलकंठ वाधे पोयम से लिया गया है और इसका पूरा टाइम क्या है 1.41 है इसमें स्टेंजर्स कितने यूज किए हैं तो दो स्टेंजर्स को इनको यूज कर लिया हाल ही में या किस राज्य का पहला जैव विविधता एथल जो है वो बनाया गया बायो डायवर्सिटी सेंचुरी अच्छा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी सेंचुरी ऑफ विच स्टेट या जो स्टेट है इसको स्टेट नहीं बोल के विल राइट इट एज यू टी विच स्टेट नहीं आएगा यूटी आएगा अब ये जो यूटी है वो बहुत ही परेशान है अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करे समझ नहीं आता सरकार की माने तो दिल नहीं गवाही देता कि आप सिर्फ सरकार की मानो और किसी सोशल एक्टिविस्ट की ना मानो तो भी आपको क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठ जाते हैं सोनम वांगचूक जी पिछले 12-15 दिन से ये चल रहा है कि लद्दाख के अंदर सोनम वांगचू जो एक सोशल रिफॉर्मर है एंड लद्दाख के लोगों के लिए वट ही है जान उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो निकाल दी है लद्दाख के लिए सोल्जर्स के लिए भारत के लिए ही इज ऑलवेज अ इंस्पिरेशन पर्सन और बहुत ही सोश, अच्छे सोशल वर्क की कैटेगरी में आते हैं ये माइनस डिग्री पे जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस चीज को लेके कि लद्दाख को एज प्रॉमिस प्रॉमिस आपने प्रौमिस किया था देखिए कहते हैं ना ना कभी कभी ज्यादा खुशी में वादे नहीं करने चाहिए नहीं तो आपको बाद में तकलीफ होती है अब लद्दाखन ट्राइबल पॉपुलेशन नाइनटी फोर परसेंट के आसपास है तो उसका राइट भी है मतलब आपने शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा हुआ है कि जिस स्टेट की पॉपुलेशन या यूटी की पॉपुलेशन 54 परसेंट के ऊपर है ना 54 परसेंट के ऊपर जाएगी आप उसे शेड्यूल के अंदर लाने की कोशिश करोगे भारत के चार राज्य सिक्स शेड्यूल शेडियू, के अंदर है और लद्दाख ये चाहता है कि 94 परसेंट ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ भारत जो है लद्दाख को सिक्स शेड्यूल का पांचवा स्टेट या यूटी जो है वो घोषित करे ऐसा लद्दाख इसलिए चाहता है ताकि वहाँ पे लोग आके जमीन ना खरीद सके सिक्स शेड्यूल में जो कंट्रीज आ जाते जो स्टेट्स आ जाती हैं वहां पे जाके आप जमीन नहीं खरीद सकते हो असम के अंदर आप चाहो तो जमीन नहीं खरीद सकते हो तो असम के अंदर आपका जमीन आप लोग नहीं खरीद रहे हो इसलिए वहां पे लोकल लोग जो है वो थोड़े से प्रवलेंट है मतलब दे आर डोमिनेटिंग अगर इसको मैं किसी स्टेट के कल्चर के हिसाब से देखूं तो इट इज बेस्ट थिंग आप उसका कल्चर जो है वो बचा के रख सकते हो अब दिल्ली की आप बात करो दिल्ली में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ के लोग आके नहीं रहते हैं दिल्ली इज अ मिक्सचर मतलब भेलपुरी बना हुआ है अभी दिल्ली यहाँ पे ना उसका खुद का कोई ना तो कल्चर है ना कोई रिलीजन मतलब किसी भी तरीके से तो जो स्टेट्स हैं शेड्यूल में आने आने से से रोक पाएंगी बाहर के लोगों को यहां आने से। और लद्दाख के लिए कहा जा रहा है कि लद्दाख के मेजर 75 फाइव ग्लेशियर्स ऑलरेडी मेल्ट होना शुरू हो गए हैं जिसमें से 22 जो है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है तो अगर ये लद्दाख के ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं तो वहां के लोगों को दिक्कत होगी वहां के लोगों को पानी ऑलरेडी नहीं मिलता मैंने आपको पहले भी बताया था वहाँ के ये जो वैलीज हैं इनमें आप ये समझ लो कि पूरे दिन में उन्होंने पांच लीटर जो पानी है ना उसको यूज करना होता है जबकि सोनम वांगचू की स्टेटमेंट सोनम वांगचू जी ने एक स्टेटमेंट दी कि पांच लीटर पानी तो आप मूत्र विसर्जन में खर्च कर देते हो यहाँ के आप पानी की इंपॉर्टेंस कहा समझोगे लद्दाख का एन्वायरमेंट खराब हो जाएगा और लद्दाख जिस पोजीशन पे बना हुआ है वो ऑलरेडी सिस्टमिक जोन है हिमालय के रेंज में है भूकंप का भूकंप जोन है ये अगर लद्दाख में आपने जाके खुदाई या फिर होटल्स या फिर आपने एनवायरमेंट डिग्रेडेशन किया तो वो सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं पूरे भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सो लद्दाख ये दूसरी चीज लद्दाख को लद्दाख जैसा चाह रहा था डेवलपमेंट वैसा नहीं हो पा रहा है तो आप इसको आ, स्टेट का दर्जा दे दो स्टेट होगा तो एम पी होंगे जो रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम को यूटी है तो कोई रिप्रेजेंट भी नहीं कर पा रहा तो लद्दाख लद्दाख के साथ अभी हाल फिलहाल जो है वो ये चल रही है ये लद्दाख की ऊंचाई पे, पे बहुत अच्छी बर्ड जो है वो पाई जाती हैं ये इनफैक्ट जो है वो ब्लैक नेक्ड क्रेन जो होती है ना सारस जो होता है आ, आ, काली गर्दन वाला जो क्रेन होता है वो इधर ही मिलता है इसी जगह पे तो इनका अच्छा ब्रीडिंग सेंटर भी है यहाँ पे लद्दाख करके याद रखिए लेह और लद्दाख दो डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिए यहां पे कारगिल जो है वो लद्दाख का हिस्सा है और कारगिल जो है वो भारत के लिए एक इंपॉर्टेंट ग्राउंड बैटल तो है ही लेकिन भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, लद्दाख का जो पार्ट है वो भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी जो है ना वो सॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हैज रिसेंटली रिसेंटलीउं टू मेक द स्टेट ड्रग फ्री बाय विच ईयर मतलब सोचो ऐसी हालत हो गई है कि किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स को ये बात आके बोलनी है पड़ती है कि स्टेट को हम ड्रग फ्री बनाएंगे मतलब हमारे एज अ सिटीजन कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है कि अगर हमारे आसपास लोग नशा कर रहे हैं तो हम उनको रोक सके या नशे जैसी चीजों को रोका जा सके पंजाब और उत्तराखंड ये दो स्टेट आज की डेट में बहुत ज्यादा सफर कर करी हैं फ्रॉम दी ड्रग्स इसमें आपका वेस्ट बंगाल जो है वो भी इंक्लूडेड है भी आपके वेस्ट बेंगाल के थ्रू पास होते हुए ही आता है जिसमें जो अफेक्टेड लोग हैं बाई दू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव पच्चीस तक यानी कि अभी तेईस चलने लग रहा है दो साल में उत्तराखंड को ड्रग फ्री जो है वो बनाने की बात कर रहे उत्तराखंड आपका उत्तराखंड में देखो उत्तराखंड और हिमाचल इन दो स्टेट्स की प्रॉब्लम ऐसी है कि पे बहुत ही अच्छे से एजुकेशन या डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है तो उत्तराखंड जिसको आप देवभूमि के नाम से भी जानते हो जिस जगह पे आप मतलब उत्तराखंड का नाम सुनते ही ऐसे लगता है ना जय श्री राम जय भोलेनाथ है ना ऋषिकेश हो गया या केदारनाथ बद्रीनाथ जोशी है नीलकंठ महाराज जी हैं ये सबके जवाब के सब उत्तराखंड में तो वहां जाने से पहले लगता है एक बार बॉर्डर पे भी आके नमस्ते कर लो थोड़ा सा पैर जय श्री राम बोल लो है ना लेकिन यहाँ के ल, देखो सिचुएशन अगर आप देखोगे तो द तो तो पीपल्स आर गेटिंग ड्रग एडिक्ट बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जेल देहरादून जो है वहां पे ड्रग एडिक्ट की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज यहाँ पे हो गई है चलिए बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव याद रखे वेयर वॉज द नेशनल हॉकी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 ऑर्गेनाइज्ड अच्छा आगे के स्पोर्ट्स से रिलेटेड है लेकिन आपके लेटेस्ट वाले है अच्छा मैंने एक चीज करी है यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो सी एच एस एल और सी जी एल जो आगे दो एग्जाम आपके बड़े आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम मैंने ये किया है कि जनवरी तक का करंट अफेयर्स आप करोगे ठीक है क्योंकि फरवरी का करंट अफेयर आपके 9 मार्च के पेपर में नहीं आएगा तो जो चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड है वहां से आ जाते है जैसे वर्किंग ग्रुप्स वगैरह वो मैंने कल की पीडीएफ में अपडेट कर दिया जी ट्वेंटी का वहां से कुछ आ सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड है खेलो इंडिया गेम्स ऑलरेडी डिसाइडेड है तो पूछा जा सकता है कि अप्रैल में जो है ना दो में खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है वो कहां होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में तो जनवरी तक जो जो चीजें आपकी अप, अपडेट हो गई हैं उनका करंट अफेयर मैं आपको अलग से कराऊंगी जो कि सेशंस होंगे स्पेशल सैटरडे वाले लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट जो आपका डेली का करंट अफेयर है वो स्टैटिक जीके में कल से कन्वर्ट हो जाएगा वील डू वन लाइनर ऑफ दी वन लाइनर ऑफ करंट अफेयर ठीक है तो मैं आपको जनवरी का जो करंट अफेयर है वो वन लाइनर ही कराऊंगी और कोशिश ये होगी कि 2022 का पूरा करंट अफेयर आपको वन लाइनर या एमसीक्यूज में करा दिया जाए ठीक है यहाँ पे आंसर ले है आइस हॉकी चैंपियनशिप जो हुई थी वो आपकी लेह के अंदर आयोजित की गई थी इंडो तिब्बतीयन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी टी आईटीबीपी जो है ना वो इसको जीती थी यहाँ पे मतलब इन्होंने जीता था ये एडिशन आइस हॉकी गेम था ये भी याद नेशनल आइस हॉकी 2023 में जो खेली गई है वो कौन से नंबर का या कौन से सीरीज में आपका है तो ट्वेल्थ एडिशन करके याद रखे लद्दाख के अंदर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप आई को मिला है ये आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ना इसको करवाती है मतलब ये चैंपियनशिप वही लोग करवाते हैं यहाँ पे लद्दाख के अंदर इंपॉर्टेंट है ठीक है इंडो तिब्बतियन की इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस की हाँ जी फिफ्थ एडिशन तो खेलो इंडिया के ऊपर हमने पूरा बात कर लिया ना चल रहा है ना आपका इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ये 1962 में किया गया था इंडो चाइना वॉर 1962 के बाद राइट मोटो क्या है ब्रेवरी प्रेजर्व, प्रे, प्रे, पर्सिवरेंस और डेडिकेशन यानी कि शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा हेडक्वार्टर जो है वो आपके न्यू दिल्ली में हैं, और है और डायरेक्टर जनरल इसके हाल फिलहाल हैं अनिश दयाल सिंह आपके जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं आपके पास कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सात पैरा मिलिट्री आएगा ही आएगा इस चीज को ना डिफेंस वाले पार्ट में करते हैं और मैं आपको इसको पूरे को कराऊंगी डिफेंस एंड मिलिट्री के टाइटल के साथ ठीक है डिफेंस एंड मिलिट्री का टाइटल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पांचवें संस्करण का आयोजन कहा पे हुआ था तो इसका आंसर अभी अभी अमित ने दे ही दिया है बाकी सारे बच्चों ने भी साथ में कवर कर ही लिया था तो आप मध्य प्रदेश करके याद रखें खेलो इंडिया यूथ गेम का पांचवा संस्करण चल रहा है अभी मध्य प्रदेश के अंदर विच वॉज कंट्री ऑफ दी अंडर नाइनटीन वुमेन्स टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप दो हजार तेईस इसमें जीता कौन है जल्दी से बताओ अंडर नाइनटीन वुमेन्स टी ट्वेंटी कप कौन सी कंट्री जो है वो इसको जीत गई है यहाँ पे मतलब जीत लिया है तो वो है आपकी होस्ट कंट्री कौन सी है जीतने वाले की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे होस्ट कंट्री जो है वो कौन है होस्ट कंट्री है आपकी साउथ अफ्रीका जीती है इंडिया कैप्टन कौन थी शेफाली वर्मा कौन है शेफाली वर्मा हराया किसको है इंग्लैंड को तो इंडिया बीट्स यूके ब्रिटेन होल्ड इट वाज हेल्ड इन दी साउथ अफ्रीका शेफाली करके याद रखिए होस्ट साउथ अफ्रीका इवेंट डेट आपकी 14 जनवरी से 29 जनवरी तो वैसे भी आपकी स्पोर्ट्स जनवरी का सेगमेंट है ठीक है 2023 में आपके भारत के अंदर या विश्व में कोई भी स्पोर्ट्स खेले गए हैं ये दस क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है पार्टिसिपेंट सोलह टीम्स देखिए याद रख लीजिए सीएचएसएल दो हजार बाईस का जो पेपर हुआ था इक्कीस का था हुआ बाईस में था उन बच्चों को उठा के पूछ लीजिए सी एच एस एल के मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो इसी सात बजे वाली क्लास से आए थे डिस्पाइट ऑफ दिस इस क्लास के अंदर कितने बच्चे आते हैं मैटर ये करता है कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन एग्जाम में उठके आते हैं। so कल से dedicatedly क्लास जो है ना वो जीके की आपकी चलने लग रही है यहाँ पे सात बजे इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लो कल से लेके एक महीने तक आपका पूरा स्टार्टिंग जीके और पूरा करंट अफेयर यहाँ से मिलेगा अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो वैसे भी ऑप्शन नहीं है पहले से पढ़ते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं ही पढ़े हो तो तो इसके अलावा आपके पास अच्छा ऑप्शन है भी नहीं चलिए प्लेयर ऑफ दी मैच टीटा साधु करके याद रखिए टीटा साधु प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट ग्रेस स्क, ग्रेस आ, स्क्रिवेंस राइट इंडियन कैप्टन शफाली वर्मा यहीं पे अगर मेंस प्ले गेम होता तो बहुत ज्यादा उछल के चीजें पता होती क्योंकि फीमेल्स है तो शायद कई लोगों को भारतीय कप्तान या भारत जीती भी थी ये भी नहीं पता होगा है ना भारत अंडर 19 का पहला टी20 अपने नाम कर चुकी है व्हिच कंट्री हैज वंस मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 2023 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप किसने जीता जर्मनी करके याद रखिए कहां पे आयोजित किया गया था तो ये याद रखिए हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल 2023 जो है ये भारत के अंदर कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर 29 जनवरी को खेला था और फाइनल मैच के अंदर जर्मनी ने डिफीट किया था किसको जर्मनी ने किसको डिफीट किया था बेल्जियम को याद जनवरी के, के क्वेश्चन है ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ है ना कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कजाकिस्तान ये चेस का चैंपियनशिप है और मैंने आपको बताया था कि ये इसलिए फेमस ज्यादा हो गया क्योंकि मैग्नस कार्लसन जो दुनिया के पहले वर्ल्ड नंबर वन चेस प्लेयर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे कजाकिस्तान की बात हो रही है हु वन दी टाइटल ऑफ आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 आईसीसी क्रिकेटर 2022 का जो खिताब है वो किसके नाम मिला था बेन स्टॉक है ना ये नाम सुनते के साथ ही आपको चीजें याद ही आ रही होंगी सिवर्स ने जो है वो फ्लिंट ट्रॉफी मतलब है, ट्रे, है फ्लेंट, इनको इसकी मिली थी, उसके अलावा इसकी पूरी लिस्ट है जो आपको लर्न करनी है पूरी लिस्ट राइट लर्न कर लेना यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो पक्का आने वाला है महिला वनडे क्रिकेटर नेट नेट आ, साइबर यही आपका नाम अभी आया भी था मेन्सोडिया क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम लर्न कर लीजिए मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टॉक इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं राइट वुमेन्स टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ताहिला मैग्राथ ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं फीमेल इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर रेणुका सी यहाँ पे दो नाम लर्न कर लीजिए जो, जो इंपॉर्टेंट है बेनस्टोंग बाबर आजम का नाम आपको काफी जगह नजर आएगा सर गार्लफी सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम पाकिस्तान मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम और यहाँ पे मेंस टी इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव जैसे मैंने बोला भारत का नाम दो जगह आएगा फीमेल क्रिकेटर रेणुका सिंह मेन्स टी इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव दो जगह आपको बाबर आजम नजर आ रहे हैं मेन्स टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेनस्टॉक वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइवर इंपॉर्टेंट है यहाँ से एक क्वेश्चन पिक समझ लीजिए who has won the men's single title of australia open championship 2022 novak jokovich लिख लेते हैं मैंने आपको इसकी पूरी लिस्टिंग दे दी है पिछली कुछ क्लासेस में <coughs> जितनी भी ये सैंपल पेपर नंबर 21 है राइट right. पहले सैंपल पेपर से लेके आज तक के जो सैंपल पेपर्स हैं उनको इकट्ठा कर लो और पूरा लर्न कर लो 21 का मतलब है एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो हर में आई रहे तो 400 क्वेश्चन आपके पास ऐसे अवेलेबल हैं जिन चारो क्वेश्चन में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा सो दिस इज इम्पोर्टेंट राइट नोवक जोकोविच 22 ग्रैंड स्लैम जीतने के साथ और जो वुमेन सिंगल चैंपियनशिप है वो आर्यना सबलैंका कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है आर्यना सबलैंका तो बेलारूस करके याद रखे बेलारूस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आना है आपके एग्जाम में वुमेन सिंग वुमेन सिंगल टाइटल आर्यना सबलैंका पुरुषेकल में आपको जोकोविच याद रखना है ठीक है विनर जो है वो आपके नोवक जोकोविच रनरअप सिपास इंपॉर्टेंट है रनरअप भी महिला एक आ, महिला एकल में सबलैंका और र, आ, आ, आपकी राय कजाकिस्तान ये सेकंड नंबर पे अरेना रायबिकान ये आपका पिछला वाला जीती थी लास्ट वाला मैंने आपको बताया अभी था महिला वाला जो था वो क्रेजिकोव और सिनिया को और, ए, 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 ओ, ओ, और शिवहारा ये जापान के जो है वो हरे थे और मिश्रित जो मिक्स डबल आता है उसमें ये इंपॉर्टेंट है भाई आप लोगों के लिए बुपन्ना और आसानिया मिर्जा इनकी टीम हार गई है किससे एल स्टेफनी और आर मटोस से तो यहाँ पे वो वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है भाई भारत मिक्स डबल जो है वो अप था मेंस बेलोन डी और अवार्ड इससे किसको सम्मानित किया गया तो करीम बेनजामा करके याद रखिए रियल मेड्रिड स्टार इनको बोला जाता है और पहली बार ऐसा हुआ है जिदान के बाद जब एक प्राइज किसी और को मिला है करीम बेनजामा जो फुटबॉल खेलते हैं उनको पता होगा लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए इंडिया हैज वन ब्रॉन्ज मेडल बाय डिफीटिंग विच ऑफ द कंट्री इन आई वर्ल्ड चैंपियनशिप दो तो आई आए जो है ये आपकी पिस्टल यानी कि शूटिंग से रिलेट करती है भारत ने इसमें ब्रॉन्ज जीता था हुई कायरो के अंदर पे है इजिप्ट के अंदर राइट तो भारत की जो ट्रायो है ईशा सिंह विभूति भाटिया और नाम्या कपूर इन्होंने पहले ही दिन में भारत को हराया था वो भी छोटे मोटे नंबर से नहीं हराया था यूल बी सरप्राइज टू नो दैट कि भारत ने जर्मनी को सत्रह एक से हराया था सो इंडिया मतलब कौन सी कंट्री को हरा के जो है वो ये जीती थी आई एस तो जर्मनी को हरा के सत्रह एक से भारत जो है वो जीत गया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस विल एल्प यू अलॉड राइट तो यहाँ पे आप ये पूरा पार्ट रिवाइज कर लो और जैसे कि पता है ए एल के अलावा आपका साइंस स्पेशल कोर्स जो है वो मैं आपको कराने लग रही हूँ आपको अगर इंडिया का कोई भी एग्जाम देना है फ्रॉम द मैट्रिक्स टू यूपीएससी लेवल अगर साइंस आपको कवर करनी है तो आप यहाँ से कवर कर सकते हो ए के स्पेशल सेशन जो है वो आपके चल रहे हैं एलपी स्पेशल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो कि केमिस्ट्री में हो चाहे फिजिक्स में वो पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके अच्छे से कवर कराया जा रहा है आप भारत का कोई भी एग्जाम दे रहे हो और उसमें अगर आपको बायो फिजिक्स केमिस्ट्री एनवायरमेंटल स्टडी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आती है तो वो आपके इस कोर्स से कंप्लीट हो जाएगा इट विल बी अ आप प्लस मंथ कोर्स चार से ज्यादा महीने लग जाते हैं इस कोर्स को कम्प्लीट कराने के लिए अट्ठारह जनवरी अभी आज की क्या है मैंने मतलब अट्ठारह फरवरी बोला था कि शायद केमिस्ट्री काफी हद कव, हद तक कवर होगी पर अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है मोल कॉन्सेप्ट के बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम करना है एंड फिर उसके बाद काफी चैप्टर्स है तो जनवरी विल गो फॉर दिस आपका साइंस केमिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए और उसमें भी सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जितना आपने टेक्निकल टीम को फोन किया है ना उस टीम ने ही मुझे बोल दिया है कि मैम इसका प्राइस फिर से फोर नाइन नाइन कर दो सो so, फाइनली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो विद अ कोड ए एल पी टाइप करना तो क्लास ट्वेंटी फोर जो है वो आप ज्वाइन डाउनलोड कर लो ऐप में प्रिपरेशन वाले सेगमेंट में जाओ अच्छा एक और बहुत अच्छी चीज कि ये कोर्स आपको लैपटॉप पे भी मिलेगा ठीक है ये वाली चीज बहुत अच्छी है आप इस कोर्स को ना ये नहीं है कि फोन में घुस के ही देखना है आप इस कोर्स को लैपटॉप में भी देख सकते हो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद तो ये कोर्स आपको ना लैपटॉप में भी दिखेगा राइट ये कोर्स आपको लैपटॉप में भी दिखने वाला है तो यहाँ पे आ जाइए साइंस स्पेशल कोर्स के सारे फीचर्स एक बार वीडियो मैंने बता दी है इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो कर दूंगी सो तो फोर डबल एन में आपको ये बैच मिल रहा है ये ज्वाइन कर सकते हो आप ये बैच ए के साथ राइट ए एल पी एल पी करके याद रखिए ठीक है अभी के लिए गाइस थैंक यू सो तो मच बाय बाय गुड नाइट टेक केयर मैं आपको मिलती हूँ कल फिर से सात बजे ये क्लास कल से होने वाली है थोड़ी रिनोवेशन में और आपकी ये क्लास जो है वो जाएगी विद और मैं सैम्पल पेपर का नाम कंटिन्यू रखूंगी लेकिन कल से ये एक महीने का स्ट्राटिकी के का स्पेशल कोर्स होने वाला है जो आपका साइंस का यहीं पे चलने वाला है ठीक है चलिए अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट टेक केयर